हाय, माय नेम इज विकास चक्रवर्ती। आज हम लोग फिर एक क्वेश्चन के साथ आए हैं कि क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, किससे रिलेटेड, फॉरफिटेड आयन रे इशू से। ठीक है, अब इसके लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं और वो भी सीबीएसई में आए हुए क्वेश्चन में से एक है। तो देखते हैं क्वेश्चन क्या, चलते हैं पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, जेसीबी लिमिटेड फॉरफिटेड 200 शेयर ऑफ रुपीज 10 ईच इशूड एट ए प्रीमियम ऑफ रुपीज 2 पर शेयर फॉर द नॉन पेमेंट ऑफ अलॉटमेंट मनी ऑफ रुपीज 3 पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। यहां तक क्या कहा है कि जेसीबी लिमिटेड है जो फॉरफिट कर रही है, कितने शेयर को, 200 शेयर को फॉरफिट कर रही है, जिसमें से कंपनी का एक शेयर की प्राइस कितने की है, 10 रुपए की है। ठीक है, और जो शेयर इशू की हुई है किस पे, प्रीमियम पे, और प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए पर शेयर प्रीमियम है। फॉर नॉन पेमेंट किस का नहीं किया उसने, अलॉटमेंट का 3 रुपए पर शेयर इंक्लूडिंग प्रीमियम। द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ऑफ रुपीज 4 पर शेयर हैज नॉट बीन मेड एज इट, यानी कंपनी ने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट नहीं मांगी है। यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल की अमाउंट कितने रुपए से थी, 4 रुपए से थी, जो कंपनी ने नहीं मांगा है। 50% ऑफ द फॉरफिट शेयर वेर री इशूड एट रुपीज 8 पर शेयर फुली पेड अप, और कंपनी का उसका जो 50% शेयर था उसको कंपनी ने री इशू किया हुआ है, कितने रुपीज में किया हुआ है, 8 रुपीज पर शेयर फुली पेड अप में। अब इसके से रिलेटेड कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे देखते हैं। होता क्या है कि कंपनी कह रही है कि 200 शेयर को फॉरफिट की है, यानी कंपनी ने कितने शेयर को फॉरफिट किया है, नंबर ऑफ शेयर कितना है, 200 शेयर है, 200 शेयर है। अब कंपनी कह रही है कि एक शेयर की प्राइस कितने रुपीज की थी, एट द रेट ऑफ रुपीज 10 ईच। कंपनी का एक शेयर की प्राइस कितने की थी, 10 रुपीज ईच का है, और प्रीमियम कितने का है, प्रीमियम एट द रेट ऑफ रुपीज 2। यानी प्रीमियम जो कंपनी दे रही है, कंपनी जो मांगी हुई है, वो कितने रुपीज का प्रीमियम की बात कर रही है, 2 रुपए की बात कर रही है। कंपनी कह रही है कि उस शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट है और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है। अलॉटमेंट रुपीज कितने का बता रही है, 3 रुपीज इंक्लूडिंग 1 रुपीज क्या है, इंक्लूडिंग 2 प्रीमियम है। यानी 2 रुपए का उसमें इंक्लूडिंग क्या दे रहा है, उसमें प्रीमियम है। और कंपनी बता रही है कि जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी कितने रुपीज का था, या फर्स्ट एंड फाइनल कॉल 4 रुपीज का था, कंपनी ने इसको कॉल ही नहीं किया है, यानी इसकी कंपनी ने कॉल नहीं किया। यानी कंपनी अगर देखा जाए कि जो कंपनी ने कॉल तब कितना किया, कंपनी का एक शेयर था कितने का था, यहाँ पे 10 रुपए का था। ठीक है, एक शेयर की प्राइस कितने की, 10 रुपीज की है, कंपनी ने इसमें से 4 रुपए मांगा ही नहीं, तो कॉल अप अमाउंट कितनी होगी कंपनी की, 6 रुपए हो गई। यानी कंपनी ने 6 रुपए के हिसाब से कॉल किया और उसमें क्या कर रहा, प्रीमियम क्या अनपेड है। तब इसके लिए कंपनी अपने यहाँ पे अकाउंट में क्या एंट्री करती है, जो एंट्री होगी कंपनी के यहाँ पे, तो कौन सी होगी, तो देखते हैं तो कौन सा एंट्री होगी। तो यहाँ पे आइए, क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब देखिए इसमें क्या कर रही है, प्रीमियम भी है, और प्रीमियम कितने रुपीज का बता रही थी, कंपनी बताई थी प्रीमियम कितने का है, 2 रुपए का है। तो यहां पे क्या हो जाएगा, सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट, यानी सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट डेबिट हुई। अब कंपनी कर रही है तो यहां पर फॉरफिट करेगी, तो टू फॉरफिटेड शेयर। उसने पेमेंट क्या नहीं किया, उसने पेमेंट कौन सी अमाउंट की नहीं की, उसने अलॉटमेंट का जो अमाउंट था 3 रुपीज से, उसका अमाउंट उसने क्या नहीं किया, पेमेंट नहीं किया। तो अब यहां पे क्या हो गया, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब देखते हैं अमाउंट कैसे कैसे कंपनी अपने यहां पे इस एंट्री में अमाउंट कैसे कैसे आएगी। कंपनी के पास कितना शेयर था, 200 शेयर था, कंपनी ने यहां पे 6 रुपीज तक मांगा, 6 रुपीज तक कैसे हुआ। अब देखिए कंपनी का एक शेयर की प्राइस कितने की थी, 10 रुपए की थी, और कंपनी ने 4 रुपए यानी फर्स्ट एंड फाइनल कॉल रुपीज कॉल ही नहीं किया, तो कॉल कितना किया था कंपनी ने, 6 रुपए से, इसलिए कितना हो गया, 200 × 6 के हिसाब से कंपनी के यहाँ पे कितने का आ गया, 1200। अब कंपनी के यहां तो 1200 आ गए, प्रीमियम के अगर अनपेड है तो वहां फॉरफिट में प्रीमियम भी क्या हो जाएगी, क्योंकि कंपनी ने पहले उसको क्रेडिट किया, तो उसको कैंसिल करने के लिए उसको क्या करेगी, उससे डेबिट करती है। यहां पे क्या हो गया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में कितने से आएगा, यहां पे भी कितने नंबर ऑफ शेयर है, 200 × प्रीमियम की बात कितने से कर रहा है कंपनी, प्रीमियम कितने रुपीज की बता रहा है, 2 रुपीज का प्रीमियम है, तो × 2 कितने से हो गया, 400 से। ठीक है, ये तो कंपनी ने कैपिटल और प्रीमियम में लिखा। अब
कौन सी मॉर्निंग मिली थी उसको, कहा कि अलॉटमेंट की मॉर्निंग मिला था। अलॉटमेंट कितने रुपीज का था? 3 रुपीज का। तो यहां पर कंपनी के यहां पर क्या हो गया, 200 × 3 कितना नहीं मिला यहां पे, 600। अब देखिए अगर नॉर्मल के बेसिस में देखा जाए कि कंपनी ने जो कॉल किया था उसमें जो पैसा नहीं मिला और कितना अमाउंट मिला हुआ है, तभी कंपनी अगर नॉर्मल बैलेंस के देखा जाए तो 1200 प्लस 400 कितना हो गया, 1600। 600 मिला नहीं तो फॉरफिट में कितना आ गया, 1000। ये तो एक मेथड हो गया। दूसरे मेथड में भी हम देख सकते हैं कि जितना अमाउंट उस पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने पेमेंट किया होगा वही अमाउंट कहां पे आएगी, फॉरफिट में। जो पर्टिकुलर शेयर होल्डर ने पेमेंट किया, यानी जो 200 शेयर होल्डर है जो भी है उसने जो पेमेंट किया होगा, किसमें पेमेंट किया होगा, एप्लीकेशन पे किया होगा, ठीक है, क्योंकि अलॉटमेंट जब उसने पेमेंट नहीं किया होगा तो इसका मतलब इसके पहले वाली कॉल पे की होगी। पहले वाली कॉल कौन हो सकती हो, कंपनी ने जो एप्लीकेशन मांगी होगी तो उसका जब पेमेंट किया होगा वही कंपनी के लिए क्या होगी, फॉरफिटेड करती हो, कैपिटल प्रॉफिट होती है। तो अब वहां पर कौन सी अमाउंट, अगर दूसरे हिसाब से देखा जाए तो कंपनी ने 10 रुपए का था, दूसरे हिसाब से देखते हैं 10 रुपीज का था, 10 + 2 कितने का हो गया, 12 रुपीज का। कंपनी ने 4 रुपए मांगा नहीं तो कंपनी ने मांगा कितना टोटल मिला जो आके, कितने नहीं कितना आ गया यहाँ पे, 8 रुपीज। और 8 रुपीज में कंपनी बता रही है कि 3 रुपए उसने पेमेंट ही नहीं किया, अनपेड है, तो कंपनी को मिला कितना है, 5 रुपए। ये क्या हो गया उसकी कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट हो गई है। यानी कैपिटल प्रॉफिट का मतलब क्या हो गया, जो कंपनी को कैपिटल में शेयर कैपिटल में प्रॉफिट हुई, कितने का हुआ, 5 रुपीज का। और कंपनी कितने शेयर को फॉरफिट किया, कंपनी ने फॉरफिट किया है 200 शेयर को, तो यहां पे कितने से आ गया, 200 × 5 1000, ठीक। तो यहां पे बींग 200 शेयर्स फॉरफिटेड, कंपनी ने 200 शेयर को फॉरफिट कर ली। अब कंपनी का जो क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 50% ऑफ द फॉरफिटेड शेयर वर रीइश्यूड एट रुपीज 8 पर शेयर फुली पेड अप, यानी कंपनी इसका 50%, यानी 200 रुपए का 50, 200 का 50% करेंगे तो कितना आएगा, 100 शेयर आएगी, जिसका कंपनी ने उसको क्या किया हुआ है, रीइश्यू की हुई है, ठीक है। तो अब रीइश्यू कर रही है तो नंबर ऑफ शेयर कितना था कंपनी के पास, 200 है। अगर इसका हम लोग 50% निकालते हैं, इनटू इसका 50% निकालते हैं तो नंबर ऑफ शेयर कितना हो जाएगा, यहां पे 100 शेयर हो जाएंगे। यानी कंपनी ने इसका 50% शेयर को जब इशू किया वो कितने का है, 100 का। और कितने रुपीज में कर रही है, 8 रुपीज में, यानी फुली पेड अप का मतलब क्या हो गया कि कंपनी का एक शेयर का प्राइस जो थी वो 10 रुपए की थी, लेकिन कंपनी ने कम पे पेमेंट कर रही है, यहाँ पे कंपनी के लिए क्या हो रही है, कैपिटल लॉस हो रही है। उस लॉस को एडजस्ट करने के लिए भी कंपनी क्या करेगी, जो अपने कैपिटल प्रॉफिट से उसको एडजस्ट करेगी। तो कंपनी के यहाँ पे जो एंट्रियां होती है, जो एंट्री होगी वो क्या हो जाएगी, उसके यहाँ पे क्या एंट्री हो जाएगी, बैंक ऑन डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट। अब देखिए कंपनी को कैपिटल लॉस हो रहा है तो किससे एडजस्ट करेगी, यहां पे कैपिटल प्रॉफिट हुई थी, फॉरफिटेड से एडजस्ट किया था, तो इसको भी यहां पे होगा फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अब देखिए कंपनी ने कितने शेयर को रीइश्यू किया, 100, यानी 50% ऑफ 200 शेयर, तो 100 शेयर को जब प्रॉफिट किया कितने रीइश्यू कर दिए, कितने रुपीस में, 8 रुपीस में, यानी कंपनी को जो रीइश्यू करने पे जो मिला था वो कितना मिला है, 800 रुपीस मिला हुआ, ठीक है। अब कंपनी का एक्चुअल में वो शेयर कैपिटल की अमाउंट कितनी की थी, 100। फुली पेड अप की बात करें तो फुली पेड अप का होता क्या, उसकी फेस वैल्यू कितने की थी, जो नॉमिनल फेस वैल्यू है वो कितने का था, यहाँ पे 10 रुपीस का था, तो वही इतने की हो गई, 100 × 10 किया तो कितना आ गया यहाँ पे, 1000। अब कंपनी को कैपिटल लॉस कितने का हो रहा, कंपनी को मिला 8 रुपए, मिलना चाहिए था फुली पेड अप 10 रुपए के हिसाब से, तो लॉस कितने का हो गया, कैपिटल लॉस 100 × 2 200, ये कैपिटल लॉस हो गई, ठीक है। तो नरेशन क्या हो गया, बीइंग 100 फॉरफिट शेयर शेयर्स रीइश्यू। अब देखिए कंपनी ने तो रीइश्यू कर दिया, अब कंपनी को जो कैपिटल प्रॉफिट होती है, जब भी कंपनी को जो कैपिटल प्रॉफिट होती है तो उसको कहां ट्रांसफर करती है कंपनी, कैपिटल रिजर्व में, क्योंकि उसकी कैपिटल प्रॉफिट हुई तो उसको उन्होंने कहां ट्रांसफर कर दिया, कैपिटल प्रॉफिट हुई तो कैपिटल रिजर्व में। तो अब इसकी बात जो जनरल एंट्री करेगी कंपनी अपने यहां पे, वो जनरल एंट्री क्या होगी, फॉरफिटेड फॉरफिटेड शेयर्स अकाउंट डेबिट शेयर्स अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट।
अब देखिए कंपनी को कैपिटलिज्म में कैसे जाएगा, तो एक कई कंडीशन हो सकती है। अब यहां पे कंपनी को एक शेयर पे कैपिटल प्रॉफिट कितने का हुआ था, 5 रुपीज का, और कंपनी को यहां पे कैपिटल लॉस कितने का हुआ, 2 रुपीज का, यानी कंपनी ने 5 रुपए में से 2 रुपए का यूज कर चुकी है। तो अब कंपनी के पास बचा कितना है, 5 - 2 किया तो कितना हो गया, एक शेयर पे कंपनी को मिला कितना है, 3 रुपीज, और कंपनी डी इसमें यूज कितना की है, 100 शेयर यूज किए, यानी यहां पे अगर नॉर्मल देखा जाए तो 100 × 3 हो गया, वो कैपिटल प्रॉफिट हो गया जिसको उसने कैपिटलिज्म में ट्रांसफर किया, 300। फिर से बताता हूं, कंपनी को एक शेयर पे कितने का था कैपिटल प्रॉफिट, 5 रुपीज का, और यहां पे जब री इशू कर रही है तो कंपनी को एक शेयर पे लॉस कितने का, पर्टिकुलर 1 शेयर में हम बात कर रहे हैं, तो 1 शेयर पे लॉस कितने का हो गया, 2 रुपीज का, यानी कैपिटल लॉस कितने के हो गए, 2 रुपए की, यानी नेट कंपनी के पास बचा कितना, 5 - 2 गया तो बचा कितना, 3 रुपीज जो बची, और कंपनी री इशू में यूज कितना किया, नंबर ऑफ शेयर 100, तो 100 × 3 किया तो कहां पे आ गया, कितना आ गया, 300। अब यहां पे ये कैपिटल प्रॉफिट आई तो हो गया बीइंग गेन ऑन री इशू मनी ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट। ये तो कंपनी के यहां पे जो एंट्री हुई इस हिसाब से, यानी क्वेश्चन में देख लेते हैं फिर से, था क्या, जेसीबी लिमिटेड थी, उसने 200 शेयर को फॉरफिट किया था, और कंपनी का एक शेयर कितने का था, 10 रुपीज का था, और कंपनी ने मांगा कितना है, कंपनी ने जो मांगा था वो कितने रुपीज तक मांगा था, 2 रुपए प्रीमियम भी थी वहां पे, और कारी के अलॉटमेंट उसने पेमेंट नहीं किया, कितने का नहीं पेमेंट किया था उसने अलॉटमेंट, 3 रुपीज का अलॉटमेंट थी जो उसका पेमेंट नहीं हुआ था, और कंपनी ने 4 रुपीज का जो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल थी वो मांगी नहीं थी। जब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल कंपनी मांगी नहीं तो कंपनी ने मांगा कितना था, यानी 10 रुपए में से कंपनी ने 4 रुपए मांगा नहीं, तो कैपिटल कितने का मांगा था कंपनी ने, 6 रुपए का, और प्रीमियम कितने का हो गया था, 2 रुपए का। तो उन्होंने एंट्री जो किया, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटीज फिनल रिजर्व अकाउंट डेबिट, 2 फॉरफेट शेयर और 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉटमेंट क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि अलॉटमेंट का नाम दिया, अगर इनकेस अगर नेम नहीं दिया जाता तो वहां पर हम लोग कॉल इन एरियस का यूज करते हैं या अनपेड कॉल का। तो यहां पे ये आगे 200 × 6 के हिसाब से 1200, 200 × 2 के हिसाब से जो प्रीमियम की अमाउंट अनपेड थी तो 400, और जितना उसने पेमेंट किया, यानी जितना उसने पेमेंट किया वो अमाउंट कहां पे आ गई, फॉरफेट में, और जो अमाउंट पेमेंट नहीं किया अलॉटमेंट में तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अब कंपनी करी 50% ऑफ फॉरफेट शेयर रीइशू की है, जब 50% फॉरफेट शेयर जब कंपनी ने रीइशू किया हुआ है तो अब 200 शेयर था, तो 200 का 50% निकाला तो कितना आ गया, 100 शेयर आए, तो कंपनी रीइशू कितने का में कर रही है, 8 रुपीज फुली पेड अप में, पर शेयर फुली पेड अप, यानी कंपनी को पैसा कितना मिल रहा, 8 रुपीज से, तीसरी कितना हो गया, 100 × 8 के हिसाब से 800 आ गई, कैपिटल में कितना आ गया, 100 × 10 के हिसाब से 1000, एंड फॉरफेट में कितने का आ गया, कंपनी को लॉस कितने का हो गया, 2 रुपए का, तो 100 × 2 के हिसाब से 200। अब कंपनी जो फॉरफेट करने के बाद जब उसे रीइशू की तो जो भी कैपिटल प्रॉफिट आए थे उसको कंपनी कहां ट्रांसफर करेगी, कैपिटल रिजर्व में, यानी कैपिटल प्रॉफिट हो रही है, तब कंपनी को एक शेयर पे जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ था वो कितने का था, 5 रुपीज का था, और यहां पर कैपिटल लॉस कितने का हो गया, 2 रुपीज का, तो कंपनी को एक शेयर पे, पर्टिकुलर एक शेयर पे कंपनी को मिला कितना था, 3 रुपए का कैपिटल प्रॉफिट था उसका, तो कंपनी ने रीइशू में कितना यूज किया, 100 शेयर को, 100 × 3 के हिसाब से कितना आ गया, 300। ओके, अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में सेंड कीजिए। ओके, थैंक यू।